हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। तो सबसे पहले आप सभी मेरे प्यारे प्यारे भाई बहनों को नवरात्रि की ढेर सारी बधाई। तो चलिए फ्रेंड्स, नवरात्रि के पहले दिन हम ढेर सारे कटिंग्स को लगा लेते हैं। तो ये सारे कटिंग्स मैं कल ही लेके आ गई थी अपने कॉलोनी से, तो मैंने सोचा कि आज मैं नवरात्रि के प्रथम दिन ये सब कटिंग्स को लगाऊंगी फ्रेंड्स, और आपसे शेयर भी करूँगी। तो देखिए फ्रेंड्स, मैं कितने सारे परमानेंट और हार्डी और इंडोर प्लांट, आउटडोर प्लांट सभी को लेके आ गई हूँ, और ये सारे बहुत ही सुख प्लांट्स हैं। तो एक एक करके मैं आपको दिखाना चाहूँगी फ्रेंड्स कि मैं कितने सारे कटिंग्स को लेके आई हूँ, और ये बहुत ही खूबसूरत प्लांट हैं फ्रेंड्स, जो कि काफ़ी महंगे मिलते हैं फ्रेंड्स। तो चलिए मैं आपको दिखाती हूँ, और कल ला के मैंने इसे पानी में डाल दिया था फ्रेंड्स। तो चलिए फ्रेंड्स, मैं दिखाना शुरू करती हूँ। तो हो सकता है किसी किसी प्लांट का नाम मैं नहीं बता पाऊँ फ्रेंड्स, तो इसका नाम मुझे नहीं पता है फ्रेंड्स। ये देखिए कौन सा प्लांट है, आप ज़रूर बताइएगा। बहुत ही खूबसूरत इसके पिंक पिंक फ्लावर खिले हुए थे, तो इसकी मैं दो तीन कटिंग लेके आ गई हूँ फ्रेंड्स। देख सकते हैं ये सारे नोड एरिया हैं, सभी के सभी लग जाएंगे फ्रेंड्स। तो पहला प्लांट मेरा ये है फ्रेंड्स, और अगला एक और है इसी में का, आप देख सकते हैं। और दूसरा हमारा ये फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं गोल्डन डस्ट क्रोटन है, कितना ब्यूटीफुल, छोटे छोटे पत्तियों वाली है फ्रेंड्स, ये देखिए। तो इसे मैंने ये सब देखिए पानी में डाला हुआ था। तो अगला हमारा ये क्रोटन है, गोल्डन डस्ट क्रोटन, देखिए कितना खूबसूरत इसके ऊपर प्रिंट बना हुआ है, और कितना ब्यूटीफुल ये लग रहा है फ्रेंड्स। तो सभी को मैं पानी में डाल दे रही हूँ, आप देख सकते हैं। कल ही मैं सुबह लेके आई थी फ्रेंड्स, लेकिन मैंने सोचा था कि नवरात्रि के पहले दिन मैं इसे शेयर करूँगी और शाम को ही लगाऊँगी फ्रेंड्स। ये सुबह का टाइम है तो शाम को लगाऊँगी, अभी नहीं लगाऊँगी फ्रेंड्स। तो ये देखिए दो कटिंग मेरा हो गया, गोल्डन डस्ट क्रोटन और ये फ्रेंड्स, आप बताइएगा पता नहीं इसका क्या नाम है फ्रेंड्स। तो इसे मैं साइड में रखती हूँ, और अगला अब मैं इसमें आपको दिखाती हूँ कि कौन कौन से प्लांट हैं फ्रेंड्स। तो सबसे पहले ये देखिए फ्रेंड्स, ओलियंडर यानी कनेर, ये हाइब्रिड कनेर है फ्रेंड्स, जिसका बहुत ही खूबसूरत पिंक कलर के फ्लावर्स होते हैं, ये देखिए। और सभी के ब्रांच देखिए कितने हेल्दी हैं, पेंसिल की तरह ये ब्रांच होना चाहिए कटिंग लगाने के लिए, और कितना ये हेल्दी हमारा कटिंग है। तो इसको भी हम यहाँ पे रखते हैं फ्रेंड्स। और अगला ये देखिए फ्रेंड्स, सदाबहार, ये वाइट वाला है, आप देख सकते हैं। तो इसकी मैंने ये कटिंग ले लिया है। तो तीसरा हमारा ये कनेर हुआ, और चौथा हमारा ये सदाबहार हुआ फ्रेंड्स। और अगला हमारा ये सुख प्लांट की लिस्ट में, मेडिसिनल प्लांट भी है, सुख प्लांट भी है, तो ये हमारा है मीठी नीम फ्रेंड्स। ये बहुत ही ज़रूरी है, इसे हमारे गार्डन में ज़रूर होना चाहिए। तो इसकी प्लांट मैंने लगाया हुआ है, और ये भी मैं कटिंग लेके आ गई हूँ फ्रेंड्स। तो छः नंबर पर हमारा मीठी नीम का प्लांट है फ्रेंड्स, और एक मैंने ये पिंक भी लिया हुआ है सदाबहार, तो ये सात नंबर पे है। और ये पता नहीं कैसे मुरझा गया है, तो ये हमारा गेंदे का कटिंग मैंने लिया हुआ है, तो ये आठ नंबर पे है, बहुत ये भी शुभ है गेंदा, आपको पता ही है। और ये तो ये वही वाला कनेर है। तो चलिए इन सबको भी पहले पानी में डाल देती हूँ फ्रेंड्स, ताकि ये मुरझाए नहीं, क्योंकि शाम को लगाना है फ्रेंड्स हमें। और ये पता नहीं क्यों मुरझा गया गेंदा फ्रेंड्स। और ये देखिए हमारा सदाबहार जी हैं, और ये हमारा ब्यूटीफुल कनेर का प्लांट है, तो इसे भी हम साइड में करते हैं, ये देखिए। तो सात कटिंग को मैंने आपको दिखा दिया, और ये फिर से इतने सारे हमारे, आप देख सकते हैं इतने सारे हमारे ये
यानी तीन गोल्डन डस्ट। हमारा ये ब्यूटीफुल प्लांट की कटिंग हमने ले लिया है। और ये सब मैं अपने कॉलोनी से ही फ्रेंड्स, इस समय मैं लखनऊ में हूँ जैसा कि मैंने आपको बताया है। और ये वीडियो मेरी आज जाएगी 8वें नंबर पे, मतलब 8वां दिन है मेरा ये लखनऊ में। और ये आपने मैं कॉलोनी से लेके आई थी, तो यहाँ पर ढेर सारे फ्रेंड्स कॉलोनी के, मतलब यानी गेट के बाहर ये सब प्लांट लगे होते हैं। और आप जब भी सुबह टहलने जाएँ तो कटर को लेके जाएँ, और साथ में आप गेट के बाहर लगा होता है तो कोई मना भी नहीं करता है। और हम जहाँ से कटिंग करते हैं फ्रेंड्स, वहाँ से फिर न्यू ब्रांच निकल के आ जाएंगे, तो किसी के प्लांट को नुकसान भी मैं नहीं करती हूँ और नहीं किसी को करना भी चाहिए। अच्छे से कटिंग करके ले लेती हूँ और उनका प्लांट भी वहाँ से हेल्दी हो जाएगा। तो चलिए मैं इसे भी पानी में डाल देती हूँ। और ये देखिए पानी से बाहर था तो थोड़ा सा मुरझा गया, तो देखिए पानी में कितने अच्छे से है, ये पानी से पता नहीं कैसे बाहर आ गया था। तो पानी में कटिंग को ज़रूर डाल देना चाहिए अगर आपके पास टाइम नहीं है तो। आप देख सकते हैं एग्जांपल मैं दिखा रही हूँ कि ये प्लांट देखिए पानी में है और ये देखिए बेचारा पता नहीं कैसे गिर गया था। तो ये मेरा अगला ये गोल्डन डस्ट क्रोटन है। और अब अगला मैं आपको दिखाना चाहूँगी फ्रेंड्स, बहुत ही खूबसूरत खूबसूरत मैं प्लांट की कटिंग लेके आई हूँ। तो ये ड्रेसिना है फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं कितना ब्यूटीफुल है ये देखिए। तो इसकी तो एक ही कटिंग लेके आई हूँ, तो ये मेरा 8वें नंबर पे है ड्रेसिना फ्रेंड्स, बहुत ही ब्यूटीफुल है। और ये देखिए फ्रेंड्स, और 9वें नंबर पर हमारा ये फ्रेंड्स आप देख सकते हैं सॉन्ग ऑफ इंडिया ड्रेसिना का, जिसके पत्तियों में वेरिएशन भी है आप देख सकते हैं फ्रेंड्स। तो ये एक बार बस लग जाएगा ना तो ढेर सारा आपके पास हो जाएगा। तो ये 9वें नंबर पे है फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं। और अगला हमारा फ्रेंड्स, पहले मैं पानी से निकाल लेती हूँ नहीं तो गिर जाता है। ये हमारा 10वें नंबर पे फ्रेंड्स मोरपंखी है, जो कि बहुत ही शुभ प्लांट है आपको पता ही है। तो इसका भी प्लांट यहाँ पे लखनऊ गार्डन में ही है, तो इसकी कटिंग मैं लेके आ गई हूँ फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं। और अगला हमारा फ्रेंड्स आप देख सकते हैं ये ब्यूटीफुल, कितना खूबसूरत है फ्रेंड्स आप देख सकते हैं। ये हमारा डेफिन बाकिया है, तो इसका दो मैंने लगाया हुआ है और एक और मैं कटिंग लेके आ गई फ्रेंड्स। तो ये जो नोड दिख रहा है ना फ्रेंड्स, ये तो यहाँ से कट करके मैं एक और बना दूँगी और इसका दो प्लांट बनाऊँगी फ्रेंड्स। तो आप देख सकते हैं फ्रेंड्स इतने सारे कटिंग को मैं लेके आ गई हूँ और सारे फ्री के। तो आप भी इस तरीके से फ्री की गार्डनिंग कीजिए फ्रेंड्स, और आपके यहाँ अगर मिल जाती है तो ले लीजिए। कई दोस्त हमारे वीडियो में बताते हैं कि उनके यहाँ तो कटिंग मिलती नहीं है और नर्सरी वाले भी नहीं देते हैं फ्रेंड्स। तो पता नहीं फ्रेंड्स कैसे, हमें तो बहुत सारी कटिंग, यानी यहाँ मेरे लखनऊ के गार्डन में फ्रेंड्स सारे ही मेरे फ्री के ही प्लांट हैं फ्रेंड्स। आप देख सकते हैं कितने सारे कटिंग्स को मैं लेके आ गई हूँ, और कितने सारे महंगे और हार्डी तो हैं ही और बहुत ही ब्यूटीफुल हैं। इन्हें लगाने से हमारे गार्डन में चार चांद लग जाएगा। तो फ्रेंड्स नवरात्रि के पहले दिन ही मैंने इतने सारे शुभ प्लांट को लगा लिया, और प्लांट तो फ्रेंड्स सारे ही शुभ होते हैं, कोई ऐसा नहीं प्लांट है जो शुभ नहीं होता है। तो आप लोग भी नवरात्रि के इस 9 दिन में ढेर सारे कटिंग्स को लेके आएँ और अपने गार्डन को खूबसूरत बनाएं फ्रेंड्स। तो कैसी लगी मेरी वीडियो फ्रेंड्स, ज़रूर बताइएगा। और थोड़ी सी भी अच्छी लगी हो फ्रेंड्स तो एक लाइक ज़रूर कीजिएगा। और पहली बार विजिट कर रहे हैं मेरे चैनल पे तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा फ्रेंड्स, और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा फ्रेंड्स, ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो मिलती हूँ फ्रेंड्स फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, जय श्री राधे दोस्तों, नवरात्रि की ढेर सारी बधाई आप सभी दोस्तों को।